हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं निफ्टी ने आज किस तरह से कामकाज किया था और कल के दिन हमारा क्या ट्रेड सेटअप होना चाहिए। दोस्तों आज एक्सपायरी का दिन था और कल ही हमने कहा था कि मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, न्यूज बेस्ड हो सकता है। निफ्टी काइंड ऑफ यू कैन से पूरा दिन साइडवेज था, जिस सुबह को उसने एक डाउन साइड की रैली दी और बाय द एंड ऑफ द डे उसने पूरा का पूरा वो रैली कवर करके वापस से थोड़ा नीचे आ गया। तो निफ्टी में इट वाज अ साइडवेज, बट बैंक निफ्टी में काफी सेलिंग प्रेशर आया था आज। बट आप देख सकते हैं कल हमने डिस्कस किया था 17800 के लेवल, 17800 के ऊपर ही हमें बाई साइड में बैठना था। बट निफ्टी ने आज एक गैप डाउन दिया और फिर जो हमारे लेवल्स थे फर्स्ट वाले, मैंने जब कहा था कल के दिन में हमें 17680 के नीचे ही सेल करना है, तो आप देख सकते हैं जब निफ्टी ने सुबह के दिन ये वाला लेवल ब्रीच किया था तब तो हमें अच्छा सा ट्रेड मिला था फॉर द टारगेट ऑफ 17535। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब निफ्टी ने एक ऊपर की तरफ हमें एक रन दिया था इन द मिड डे, तब 17723 पे उसने एक रेजिस्टेंस लिया और वहां से वापस नीचे आ गया 17600 पे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 17723 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए कल के दिन में। अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो स्टिल आई वुड से कल के दिन भी 17800 के ऊपर ही बाय करना है, बट अग्रेसिव ट्रेडर्स कैन बाय अबाउ 17723 ऑल्सो। सेल साइड में आपको निफ्टी में 17535 के नीचे ही सेल करना है फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 17471, 17452, 17427, और जब 17427 ब्रेक होता है तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 17300 के लेवल्स निफ्टी में। बट प्रीवियसली निफ्टी ने 17427 से या 17430 से ये हमारे लेवल से एक अच्छा सा सपोर्ट लेके एक वापस ट्रेंड लाइन की तरफ मुड़ गया है। तो दोस्तों कल के दिन हमें ये भी ध्यान रखना है ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन 900 के लेवल्स एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस में हमें ये फंसा सकता है, और अगर ये 900 का लेवल ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 950 का और सेकंड आएगा 17980 का। 17980 पे आप बुक कर सकते हैं आपके ट्रेड्स टू बी जस्ट ऑन द सेफर साइड, क्योंकि 18000 ब्रीच नहीं कर रहा निफ्टी और वहां से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो जब तक 18100, मैं हर वीडियो में ये लेवल बता रहा हूँ, 18100 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे नहीं ट्रेड करता तभी हमें एक निफ्टी में ट्रेंड अपसाइड ट्रेंड मिलेगा, तब तक हमें निफ्टी में अपसाइड ट्रेंड नहीं मिलेगा। और निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी भी सेलिंग प्रेशर में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी आज क्लोज किया है 88 पॉइंट्स पे, -88 पॉइंट्स पे, बट बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट अराउंड 600 पॉइंट्स पे बंद दिया है, 572 टू बी प्रिसाइज। तो निफ्टी में आज थोड़ा नॉर्मल डे था, वॉलेटाइल था, ऊपर नीचे था, एक्सपायरी था, ज्यादा इफेक्ट नहीं आया, बट बैंक निफ्टी में आज सेलिंग प्रेशर था। तो निफ्टी में कल के दिन शायद एक गैप डाउन मिल सकता है या फिर सेलिंग प्रेशर आ सकता है खुलते ही। बट डू कीप इन माइंड 17427 के लेवल्स, यहां से निफ्टी एक रिवर्स मार सकता है और 17700 के लेवल्स आज निफ्टी को बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस के रूप में एक काम कर रहा था आज के दिन में। फिर भी हम 17723 के लेवल्स हमें मार्क करके रखना है, क्योंकि जब ये ब्रेक करेगा तब हमें एक अपसाइड रैली मिल सकती है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।